आप सभी का स्वागत है जी। बहुत खास प्रोग्राम है आज। केस स्टडी करेंगे जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। सारे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इस प्रोग्राम को सुने। जसमीत जी आज केस स्टडी करेंगे, केस स्टडीज करेंगे इनफैक्ट, कि कनाडा से किस तरह के प्रोफाइल्स को रिजल्ट्स मिल रहे हैं और पीटी में, एसडीएस में, नॉन एसडीएस में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके पीछे के कारण आज की डेट में क्या है। पीटी में कम स्कोर पे कब रिजल्ट आ रहा है, नॉन एसडीएस में कब रिजल्ट आ रहा है, और एसडीएस केस में कई बार रिफ्यूजल क्यों आ रहा है, तो कुछ केस स्टडीज भी साथ में होंगे। जसमीत जी हमारे साथ हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज सुबह 8 बजे हम एक अपडेट वीडियो के रूप में आपको देते हैं और 3:30 बजे हमारा लाइव शो होता है जिसमें आप जसमीत जी से डायरेक्ट टेलीफोन पे कॉल कर सकते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी केस स्टडी मैं चाहूंगा आप शुरू करो एक एक केस को ताकि हम लोग समझें कि ट्रेंड क्या है। सो सुरेंद्र जी, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम रिफ्यूज था क्यूबेक कॉलेज से। सेकेंड टाइम उसने हमारे से फाइल लगाई, उसका रिजल्ट नहीं आया। सो सबसे बड़ी बात है PTE 58 है बच्चे के, सबसे बड़ी बात है PTE 58 है बच्चे के। स्टूडेंट रिफ्यूज था फर्स्ट टाइम क्यूबेक कॉलेज से, सेकेंड टाइम उसने फाइल लगाई, 1 साल रिजल्ट नहीं आया। स्टूडेंट बहुत ही अपसेट हो गया कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा फाइल पे। समहाउ हमने उसकी फाइल विड्रॉ की, उसने पूरे पैसे वापस लिए, एंड थर्डली फिर हमने उसकी क्या कहते हैं फाइल क्या कहते हैं एम्बेसी में पुटअप की किसी और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एंड ही गॉट वीज़ा कोस्ट माउंटेन कॉलेज के लिए। एंड उसका वीज़ा 24 घंटे में अप्रूव होके आ गया, उसका वीज़ा 24 घंटे में अप्रूव होके आ गया। सो PTE 7 ईयर्स गैप, सिंगल टाइम रिफ्यूज़ल, 1 टाइम विड्रॉ, और 3rd टाइम बच्चे का वीज़ा अप्रूव होके आ गया 24 घंटे में। सो 7 साल के एक गैप के बाद जसमीत जी ने केस स्टडी हमारे साथ शेयर किया। एक मेरे पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है जसमीत जी, कनाडा में आपने कितने कितने गैप से रिजल्ट्स लिए हैं? सो मेरे पास अभी रिसेंटली एक वीज़ा आया जिस बंदे को 18 इयर्स का एक्सपीरियंस था। सो वो बैंक में काम कर रहा था, 18 इयर्स का एक्सपीरियंस था, 2004 पास आउट था लास्ट, और उसके बाद उसका MBA में वीज़ा आया। सो एज सच कैनेडा में अगर फाइल सही ढंग से पुटअप की जाए तो मेरे को लगता है कि वीज़ा लिया जा सकता है। सो सेकेंड स्टूडेंट मैं डिस्कस करूँगा, अभी अभी उसकी PPR आई है। अगेन स्टूडेंट इज़ PTE 57, और इलेक्ट्रिकल का उसने 2 साल का डिप्लोमा किया, प्लस टू में 57% हैं। सो ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं हैं, और इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा में भी उसके 58% है, और गैप भी 4 साल का है, और उसके बावजूद भी उसकी आज PPR आ गई है। सो आई फील कि स्टूडेंट्स अगर आपके केस मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ भी हैं या आपके केस डिफ़िकल्ट भी हैं तो वी कैन ट्राई टू गेट यू वीज़ा। वी आर लुकिंग एट अप्लाइंग इन ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस इन कैनेडा। वी विल वर्क ऑन योर प्रोफाइल ताकि आपको वीज़ा अप्रूवल मिल सके। बिल्कुल ठीक है। और नॉन SDS और SDS में ये तो होगी, आपने स्पेसिफिक एक दो प्रोफाइल्स को डिस्कस किया है, PTE के लिए भी मैं चाहता हूँ एक बार आप डिस्कस कर दो। सो PTE की दोनों ही प्रोफाइल मैंने जो डिस्कस की हैं वो दोनों PTE के केसेस हैं जिनका वीज़ा आया। बिल्कुल ठीक है। सो दोनों PTE की प्रोफाइल्स हैं जसमीत जी। SDS और नॉन SDS में इस वक्त इन दोनों में ट्रेंड क्या है केस स्टडी के हिसाब से? सी देखो, अगर नॉन SDS की बात करें तो एक में 5.5 बैंड वालों को वीज़ा नहीं मिल रहा, बट PTE वाले काफ़ी बच्चों को वीज़ा मिल रहा है इस टाइम पे, और जो ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। और सेकेंडली मल्टीपल टाइम रिफ्यूज, जैसे 3-4 बार रिफ्यूज्ड है स्टूडेंट, उनको भी वीज़ा मिल रहा है। अगर सही ढंग से फाइल लगेगी तो वीज़ा बेशक आ रहा है। सो कल भी मैंने वीज़ा हैंडओवर किया, जो मैंने अपने लाइफ में भी केस स्टडी डिस्कस की थी कि 3 बार बच्चा रिफ्यूज़ था, 59% थे, गेव अप ऑल द होप्स कि मेरा वीज़ा लगेगा। 2018 में प्लस टू थी और फिर भी बच्चे का वीज़ा लग के आ गया। सो 2018 पास आउट वाले बच्चे का भी वीज़ा लग के आ सकता है अगर आपके सही बैंड हैं, सही तरीके फाइल पुटअप होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में पुटअप होगी और सही कोर्स में पुटअप होगी तो आपका वीज़ा अप्रूव होके आ सकता है। सो डेली बेसिस पे जो हमारे पास पासपोर्ट स्टैम्प होके आ रहे हैं वो भी काफ़ी बड़े नंबर हैं, और जो PPRs आ रही हैं वो भी काफ़ी बड़े नंबर हैं। सो स्टूडेंट्स जिनको रिफ्यूज़ल रिसेंटली आई है या जो प्लान कर रहे हैं फर्स्ट टाइम भी अप्लाई करने का, आप एक बार हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें और फिर
हम असेस करते हैं कि उसमें से आपको क्या बेस्ट हम गाइडेंस दे सकते हैं ताकि आपका वीज़ा अप्रूव होके आए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जसमीत जी। स्टूडेंट्स 9041390412 पे जसमीत जी से बात कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप ज़रूर लैंडमार्क इमिग्रेशन की सर्विसेज इंडिया में किसी भी हिस्से में बैठ के अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।